Hello student, I hope all are okay. In the last video I have told that exercise 9.2. Today we will start with the new exercise, 9.3. In that exercise we have to change the angles. Angles means हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे कि एंगल का वैल्यू निकालना, मतलब एंगल का वैल्यू पुट करके इक्वेशन को सॉल्व करना, बोथ साइड इक्वेशन को इक्वल करना, ठीक है। बट हम लोग अभी क्या करना, एंगल मतलब सॉल्व करना पड़ेगा। अब एंगल्स में हम लोग अभी तक कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, उसमें और कुछ ऐड हो जाए थे। जैसे हम लोग आप ऐसे जानते हैं कि फोर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। इन मिडिल ऑफ द कोऑर्डिनेट मींस टू कोऑर्डिनेट्स आर इंटरसेक्ट विथ जीरो, ठीक है। यहाँ पे मतलब जो करते हैं उसको जीरो, मतलब एक जीरो है, कुछ वहां पे डिग्री नहीं होता, ठीक है। और कोऑर्डिनेट से स्टार्ट होता है, मतलब यहाँ से मींस एक्स एक्सिस से, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, ऑपोजिट ऑफ एक्स एक्सिस इट इज कॉल्ड एक्सिस, मीन इट विल स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव यूनिट्स, एंड ऑपोजिट ऑफ वाई एक्सिस इट इज कॉल्ड एज वाई एक्सिस, इट इज आल्सो स्टार्ट ऑफ नेगेटिव यूनिट्स, ठीक है। अब एक्स एक्सिस हम लोग क्या करेंगे, एंगल जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो टू अगेन जानते हैं कि वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मींस क्या होता है 90 डिग्री, ठीक। वही यहां से अगेन 90 का सेट करेंगे, मींस एक्स डैश एक्सिस वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर का मतलब इसको अगर हम लोग अपोजिट से सीधा कर देंगे कि वाई प्लस वाई एक्सिस पर एक्स डैश परपेंडिकुलर का मतलब ये 90, 90 प्लस 90 ऐसा होगा क्या होगा 180, मींस स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का होता है, फिर 180 प्लस 90 ये होगा 270, ठीक है। 270 से अगर 90 अगर ऐड करेंगे कितना होगा 360, मतलब मींस एक सर्कल पूरा जब कंप्लीट एक एंगल बनाता है तो वो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये हो गया। अब 0 से 90 हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ते हैं, मतलब क्या होगा, हम लोग नॉर्मल क्या करते हैं, बड़े से छोटे को माइनस करते हैं, इसमें हम वैसे करेंगे 90 माइनस जो भी डिग्री यहां से आएगा, मतलब 90 से लेस है, यहां से आप 89 भी कर सकते हैं, ठीक है, जो भी डिग्री आएगा। तो ये वाला एंगल हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा का अपोजिट होगा तो उसको क्या करते हैं, वन आता कॉसेक थीटा करते हैं, बट यहाँ पे क्या होगा, साइन 90 माइनस जो भी थीटा का एंगल होगा, थीटा का मतलब जो होगा मींस लेस देन 90 जो होगा उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू क्या रहेगा, कॉस 90, कॉस थीटा, मतलब यहाँ पे अगर 15 है तो यहाँ पे कॉस 15 होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर 75 है यहाँ पे भी 75, ठीक है। ये होगा साइन का, कॉस का भी इसी के अपोजिट होगा, मींस अगर साइन का 90 माइनस थीटा का मतलब कॉस आ रहा है, ऐसे ही कॉस का 90 माइनस थीटा करेंगे तो साइन आएगा, टेन का 90 माइनस थीटा का मतलब कॉट आएगा, कॉट का 90 माइनस थीटा करेंगे तो टेन आएगा, ठीक है। वैसे ही कॉसेक का सेक आएगा और सेक का कॉसेक जब 90 माइनस थीटा करेंगे, इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं, हम एंगल चेंज कर देंगे मतलब आपको यहाँ पे जो एक क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट का वो दिया है साइन 56 डिग्री, साइन 56 डिग्री, बट आपको बोला है इसको चेंज करो, ठीक है। इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कैसे चेंज करो, एंगल्स क्या होगा, इसके बीच में गुजरेगा लाइन, मतलब गुजरना, ठीक है, बिटवीन 0 टू 45, ये 45 से ज्यादा, बट इसको बोला है 45 का कैसे होगा, ये 90 हो गया, मतलब 90 और इसका क्या होगा, हाफ होगा,
मतलब 0 टू 45 इसके बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब ये राइट क्या करेगा, 56 45 से ज्यादा है तो वो किसी को चेंज करेंगे, कैसे साइन का मैथमेटिकल अगर हम क्या होता है आसान, ऐसे ही हम क्या करेंगे साइन, इसको हम लोग कैसे और लिख सकते हैं, 90 माइनस 90 से कितना माइनस करने पर हमें 56 मिलेगा, 90 माइनस 56 से माइनस करने पर कितना आ रहा, 34 आ रहा। मतलब हम क्या कर सकते हैं इसको, साइन 90 माइनस 90 से कितना माइनस करने पर 56 आ रहा 34, ठीक है। क्या आ रहा है, अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो थीटा की जगह यहाँ पे क्या है 34 डिग्री, तो यहाँ पे भी 34। मतलब आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज करेंगे जिसमें एंगल का वैल्यू लेस देन कितना लिखा है 45 डिग्री होगा, ठीक है। वही इसी तरह आपका सेकंड वाला भी कर सकते हैं, इसमें 10 8वां लिखा है, अब यहाँ पे क्या करेंगे 10 90 माइनस 90 से कितना माइनस करने पर हमें 8वां मिलेगा, 9 माइनस करने पर, तो क्या लिखेंगे 10 90 माइनस 90 तो क्या आएगा cot 90, ठीक है। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो आपको दिया है वो क्वेश्चन ऐसे दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, मतलब इसको सॉल्व करेंगे, जो इक्वेशन दिया है उसको आप चेंज करिए 90 माइनस या 90 प्लस जो भी इसको चेंज करके उसको सॉल्व करना है, मतलब जो कटेगा काटेंगे, ठीक है, इस तरह करके उसको वैल्यू निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है ये सेकंड का फर्स्ट वाला, चलो सेकंड वाला ही बनाते हैं। क्या लिखा है साइन 37 डिग्री, साइन 37 डिग्री ऑफ 1 2 cos। अब ये आपको एक और चीज और कहना चाहूंगी कि कोई भी आपको जो एंगल दे रहा है अभी तक क्या कर रहे हैं हम लोग जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, हम लोग पढ़ रहे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट स्टार्ट फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री, ठीक है। तो चाहे आप मल्टीप्लिकेशन को करें या फिर आप क्या बोलते हैं डिविजन में करें, दोनों जो भी एंगल दिया होगा वो 90 टोटल मिला के 90 डिग्री का होगा, मोर देन 90 नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ ही रहे हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था ये 0 टू 90, मतलब जो भी होगा ये एंगल में 90 डिग्री के ही अगर आएगा, मतलब इसको और इसको मिला के 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ये 37 हो गया तो 37 में क्या ऐड करेंगे तो 90 आएगा 53। अगर आपको एग्जाम में कुछ मिस्टेक लगे तो आप अपने से करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना होगा, आप ऊपर वाला चला तो साइन 90 माइनस थीटा से चेंज कर सकते हैं या फिर आप कॉस को कॉस 90 माइनस थीटा से भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने साइन ऊपर वाला एज इट इज रखा है, ठीक है, नीचे वाला कॉस कॉस है तो मैं क्या करूं कॉस कॉस को मैं 90 डिग्री से माइनस कर दूं, ठीक है। तो 90 से कितना माइनस करते तो हमें 53 मिलेगा, अगेन 37, ये हो गया। तो आएगा क्या आंसर आएगा साइन 37 डिग्री अपन 2 मल्टीप्लिकेशन कॉस 90 माइनस, ठीक है, हम इसे क्या समझे क्या आ रहा है साइन 37 डिग्री, ये कट हो गया तो क्या आएगा 1/2 माइनस, इस तरह आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व करिए वो इजी है, अब थर्ड वाला सॉल्व करते हैं, तीन क्वेश्चन दिया, ठीक है, सेकंड में थर्ड वाला क्वेश्चन दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, सेम ही है, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, इसमें जैसे पहला क्वेश्चन तो नहीं बता रही हूँ तो सेकंड वाला भी बता रही, ठीक है। ये देखिए सेकंड वाला थ्री का दिया है 3 cos 80 डिग्री मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मीन्स यहाँ कुछ नहीं है तो डॉट का साइन रहता है, ठीक है, cos है 10, देखिए यहाँ पे cos 80 हो गया तो 80 में आप प्लस 10 करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, cos 10 डिग्री प्लस 2 cos 59 डिग्री मल्टीप्लाई विथ मीन्स
इज डॉट 59 प्लस 59 में और क्या करेंगे अब जब तेरे कॉस कॉस कर दिया तो अगेन हमने कॉस होगा क्या कॉसेट सॉरी कॉसेट 31 ये हो गया अब इसको सॉल्व करेंगे 3 cos 18 ठीक है cos 18 मल्टीप्लाई विद cos को हम लोग चेंज कर देंगे इसमें करंट हम लोग जानते हैं cos cos का अपन मतलब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sec थीटा होता है तो इसको हम लोग चेंज करेंगे इसको चेंज करें cos 90 माइनस थीटा क्योंकि हम लोग जानते हैं कि sec जो sec और sec जो sin का नॉर्मल फॉर्मूला है sec इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन cos थीटा मतलब यहाँ पे देखिए cos है अगर cos को हम लोग sec में कन्वर्ट करेंगे तो ये दोनों कट हो सकता है इसीलिए cos 90 यहाँ पे 10 लिख देते हैं तो 90 से यहाँ कितना माइनस होगा तो 10 आएगा 90 माइनस 80 माइनस होगा तो 10 आएगा ये हो गया प्लस 2 cos 59 डिग्री यहाँ पे डॉट अगेन cos को चेंज करेंगे या cos 90 माइनस अब कितना चेंज करेंगे मतलब 90 कितना माइनस करेंगे तो 31 आता है इसको कैसे चेंज करते हैं मतलब जिसको आप चेंज करना चाहें ठीक है 90 90 से माइनस करना चाहें तो आप देखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा है cos 50 ठीक है मैं इसको चेंज करना चाहूंगी साइन तो क्या करेंगे cos 90 माइनस अभी बताइए 90 से कितना माइनस करने पर 50 में आता है 75 तो यहाँ पे क्या होगा साइन 75 5 degrees
80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर प्लस करके इधर लिख दिया आपने साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री इक्वल टू 2 मतलब हमको लेफ्ट साइड लेना है लेफ्ट साइड लेके सॉल्व करेंगे राइट साइड प्रूव करना है ठीक है अब इसमें मैं बताई थी कि हम लोग अभी जो लोग पढ़ रहे हैं जो ट्रिग्नोमेट्री है हम लोग फर्स्ट क्वार्टर पर सॉल्व मींस 0 टू लेकर 90 डिग्री के बीच में मींस आपका एंगल ज्यादा से ज्यादा 90 डिग्री होगा मींस दोनों एंगल मिला के 90 डिग्री के अब ये देखिए ये साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 ये दोनों मिला के कितना होगा 165 जो कि हम लोग अभी पढ़ लिए अब फर्स्ट वाला डिग्री जैसे देखो मैं लेफ्ट हैंड साइड में है साइन स्क्वायर 85 डिग्री अब आप सोचिए इस 85 में और कितना ऐड एंगल ऐड करने पर वो 90 कंप्लीट हो जाएगा वो होगा साइन स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर 5 ये हो गया मतलब ये दोनों एंगल क्या 90 डिग्री होगा मतलब मैं सिर्फ एंगल को बोल रही हूं सोच रही हूं क्योंकि क्या है प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 के बाद फिर क्या बचेगा 90 साइन स्क्वायर ये दोनों मिला के 90 अब हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ रहे हैं क्या जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ठीक है ये हो गया फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है मतलब साइन स्क्वायर तो होना चाहिए कॉस स्क्वायर तो है इसमें चेंज कर सकते हैं साइन को और कॉस को मतलब कॉस से बट यहां पे जो थीटा का एंगल होगा वो भी सेम होना चाहिए मतलब यहां पे 45 है यहां पे 45 यहां पे 80 है तो यहां पे भी 80 होना चाहिए ठीक है एंगल सब भी सेम तो हम लोग किसी को क्या कन्वर्ट करें इसको कन्वर्ट करें या फिर इसको कन्वर्ट करें कि दोनों का स्क्वायर दो साइन दो कॉस तो करना ही पड़ेगा दो साइन स्क्वायर करने के बाद दो कॉस कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे ठीक है क्योंकि स्क्वायर में हमें प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि स्क्वायर में अगर एंगल सेम हो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में तो वैल्यू क्या होता है ठीक है अब हमें प्रूफ क्या करना है अब देख रहे हैं प्रूफ मतलब ये दोनों का वैल्यू 1 आना चाहिए ये दोनों का वैल्यू 1 तभी एड होगा तो 2 आएगा ठीक है तो मैं इसको चेंज कर दूं साइन स्क्वायर इसको क्या करेंगे 90 माइनस कितना माइनस कर 35 आ गया ये हो गया साइन स्क्वायर 5 प्लस इसको चेंज करें साइन स्क्वायर 90 माइनस कितना सब्ट्रैक्ट करके करके आएगा 90 माइनस 10 ये हो गया फिर प्लस दूसरा साइन को एज इट इज ये हो गया अब साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा होगा तो क्या आ गया कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 अगेन साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉस स्क्वायर 10 और यहां पे दिया था साइन स्क्वायर 10 ठीक है इसको मैं ऊपर सॉल्व कर रही हूं ये दोनों का वैल्यू 1 आएगा ये दोनों का वैल्यू 1 आएगा क्या आएगा साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री इन दोनों का वैल्यू 1 आएगा ये दोनों का वैल्यू 1 आएगा मतलब 1 प्लस 1 2 राइट हैंड साइड का प्रूफ क्या लिखेंगे प्रूफ ठीक है इसी तरह आपको फोर्थ वाला क्वेश्चन भी प्रूफ करना है ठीक है बाकी के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी अगर आपसे बन जाता है तो आप ट्राई कीजिएगा ठीक है तब तक के लिए गुड नाइट